एक ऐसा शो है जो आपको छिप छिप के नहीं देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स बूढ़े हो गए या अब उनको संभालना है, वो एक इरिटेशन सी होती है। और मिडिल क्लास में इतने सारे किस्से हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये शो जितना प्यार मिलता जा रहा है कि ये शो कभी बंद होने वाला है। 40 सीजन बनेंगे, 400 सीजन बनेंगे इसके। और अभी नहीं चाहिए, हाँ बंद नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए कि 3 सीजन से आप मेरे को देख ही रहे हैं, बिट्टू की मम्मी इधर उधर करती रहती है और इनकी हर हरकत उत्पटांग ही रहती है। मेरे बच्चों के पास वो वाला था जो पिगी बैंक वाला था, तो हम लोग ऐसे बाहर गए हुए थे, मार्केट में थे, तो ये देखा तो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए कि बाबा गुल्लक गुल्लक लेट्स बाय सम गुल्लक। मैंने कहा हाँ ठीक है, खरीद खरीद। गुल्लक की जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, जो आप जुड़ जाते हैं उससे, क्योंकि आप खुद को उसमें देखते हैं। अगर खुद को नहीं देखते हैं तो आप अपने किसी अजीज को उसमें देखते हैं आप, कि मेरा भाई, मेरी बहन, या मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग्स, तो उन सब रिश्तों को आप देखते हैं वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं उनसे और दिल से कनेक्ट करते हैं। जिस सच्चाई से वो लिखी हुई है और जिस सादगी से लिखी हुई है और जिस मजाहिया अंदाज में उसको प्रेजेंट किया गया है, होलसम एंटरटेनमेंट है वो। और कहीं कुछ भौंडापन नहीं है, कहीं कुछ फुहड़ता नहीं है उसमें, कोई गाली गलौज नहीं है। परिवार के साथ बैठ के आप देख सकते हैं। बहुत कम ऐसे शोज हैं जो कि आप सारे परिवार के साथ बैठ के देख पाए, और ये वो एक ऐसा शो है जो आपको छिप छिप के नहीं देखना पड़ता है। बा आवाज बुलंद और अलानिया देख सकते हैं आप। बदलते हुए दौर में न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हो गई हैं और जॉइंट फैमिलीज हार्डली इधर उधर हैं, तो वो जो लोग अब मिस करते हैं परिवार का अपनापन, वो जो परिवार का प्यार और साथ एक हौसला होता है ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज को ज्यादा लोगों को करीब लाता है। क्योंकि गुल्लक में एक फैमिली जो दिखाई है ना, वो फैमिली सबको अपनी फैमिली लगती है, वो उनका जो कहना चाहिए कि अपनी परछाई देखते हैं, अपने परिवार की परछाई देखते हैं, जो सब मिस करते हैं आजकल। तो इसके लिए ये और ज्यादा लोगों को इतना करीब लेके आता है और इसीलिए इतना ज्यादा लोग इसको प्यार देते हैं। और कहीं मुझे ये भी लगता है, बिल्कुल सही कहा, इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूंगा कि शायद जिसके जिन परिवारों में ये चीज नहीं देखने को मिलती है या जहाँ कहीं खटास आ जाती है, तो वो गुल्लक दिखाते हैं कि देखो यार ये है ना परिवार, हाँ हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते, हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते। तो वो बहुत प्यारी चीज है जो मेरे ख्याल में लोगों को बहुत पसंद आती है। जैसे गुल्लक में रिश्तों का प्यार दिखाया है, मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, बहुत प्यार, मतलब पैसे ही ना, पैसे ही किसी ज्यादा वैल्यू रिश्तों की है। तो जब बात पर्सनल लाइफ की आप लोग की जाती है, तो आप लोग के रिश्ते कितने मैटर करते हैं? बहुत मैटर करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ को देखता हूँ या मैं अपनी सास को देखता हूँ, मेरे ससुर नहीं रहे, मेरे वालिद नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि बुजुर्गों की सिर्फ एक मौजूदगी ही एक बहुत बड़ी दुआ है, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उनका घर में रहना, वो चाहे, मुझे लगता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स बूढ़े हो गए या अब उनको संभालना है, वो एक इरिटेशन सी होती है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि जब आप छोटे थे तो आपको किस मुश्किलात से पाला है उन्होंने, उन्होंने भी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम क्या ये इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते कि अपने माँ बाप की देखभाल ढंग से कर लें? और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने, मेरे फादर नहीं है तो मैं अपने फादर को, काश कि अब होते वो, तो मैं कितना कुछ और खुशी दे पाता, बहुत कुछ कर पाता। तो वो चीज़ें हैं जो मैं मिस करता हूँ और मेरे ख्याल में हम सारे लोग मिस करते हैं। नहीं, कनेक्शन तो लगा था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन दिनों जो बाकी चीजें थी वो थोड़ा फर्क आ रही थी। और ये एक जो है ना, दिल को छूने वाला, आप पढ़ो और आपको तभी ये कहानी ही दिल को छू रही है, इसकी एक एक बात जो है आपको अपनी लग रही है। तो वो चीज ने तो बहुत ज्यादा इसके लिए, मैंने तो इसीलिए हामी करी थी क्योंकि मुझे लगा था हाँ ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट है जो मुझे होता है ना, कि कभी कभी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं कि कोई एक ऐसी कहानी से जुड़ो कि एज एन आर्टिस्ट जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं इसी कहानी का हिस्सा रही हूं,
तो मेरे लिए तो ये बात पूरी तरह साबित होती है गुल्लक के साथ। हाँ, मतलब स्टोरी इतनी अच्छी है और लिखा इतना अच्छा गया है, तो क्यों ना करें। जब ऐसा कुछ किसी एक्टर के पास आता है तो मतलब बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है गुल्लक का। आज भी जब कोई भी नया सीजन आता है तो मतलब इट्स लाइक अ हॉलीडे, इट्स सो क्लोज टू अस दैट वी डोंट फील लाइक वी आर गोइंग फॉर वर्क। It's just 30 days or 60 days of just chilling, meeting everyone, knowing our lines and just going there and enjoying it. And that's why Gullak is Gullak, because we enjoy so much. जितना इंतजार हमारी ऑडियंस करती है गुल्लक का नया सीजन देखने के लिए, उतना ही हम सारे आर्टिस्ट इंतजार करते हैं अगला सीजन करने के लिए। अरे इस बार इतना वेट कर रहा हूँ ना, क्योंकि 2 साल का गैप आ गया है, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से 7 तारीख आए, मैं खुद देखूँ ये शो, क्योंकि मैं भी ऑडियंस हूँ उसकी, तो मुझे भी देखना है वो क्या किया। इतना प्यार मिलता है इसको ना कि मुझे तो लगता नहीं है कि और मिडिल क्लास में इतने सारे किस्से हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये शो जितना प्यार मिलता जा रहा है कि ये शो कभी बंद होने वाला है। 40 सीजन बनेंगे, 400 सीजन बनेंगे इसके। और अभी नहीं चाहिए, हाँ बंद नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। बहुत कमाल है। और वो जो रिश्तों की बात में आप कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रही थी, ये तो जब, और मैं बुजुर्गों की बात कर रहा था कि हम कहीं वो चीज अभी जब न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार काश कि मेरे माँ बाप होते। अब बच्चे हैं, अब अगर दोनों वर्किंग हैं तो आप कहते काश कि मेरे माँ बाप होते तो इनका कोई ख्याल रख लेता, दोनों काम करने जा रहे। तो वो चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एहसास दिलाती है कि जॉइंट फैमिली या एक परिवार जब एक साथ रहता है तो उसके कितने सारे फायदे हैं। हम नुकसान उसके जरूर ढूंढ लेते हैं और हम अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग होने का नुकसान मेरे ख्याल में ज्यादा है। किरदार मेरा 3 सीजन में देख लिया आपने, 4th सीजन में भी वैसा ही है, मस्तीखोर है और प्यार मोहब्बत से रहता है, प्यार मोहब्बत बांटता है और एंजॉय करता है जिंदगी को पूरी तरीके से। और रिश्तों की जो डोर है उसको टूटने नहीं देना चाहता है, और खासतौर से उसका मतलब शांति के साथ वो लड़ता भी है, झगड़ता भी है, लेकिन बेइंतहा मोहब्बत भी करता है और उसको एक बराबर का मुकाम देता है। अब भले ही उसकी बातों में न लगे, बच्चों के साथ मिलके उसको छेड़ता भी है बीवी को, और बच्चे कभी माँ को छेड़ते हैं तो कभी बाप को छेड़ते हैं तो कभी माँ बाप मिलकर दोनों बच्चों को छेड़ते हैं, तो ये जो खेल खिलवाड़ जो है वो चलता रहता है। और बाप की जिम्मेदारी, जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनके चैलेंजेस अलग हैं, तो पेरेंट्स के तौर पे उन चैलेंजेस को हम कैसे टैकल करते हैं वो इस सीजन में आपको देखने को मिलेगा और मजा आएगा। आप देखिए 3 सीजन से आप मेरे को देख ही रहे हैं, बिट्टू की मम्मी इधर उधर करती रहती है और इनकी हर हरकत उत्पटांग ही रहती है। अभी ये 4th सीजन में जैसे हमने मौसम बदला है, थोड़ा थोड़ा हमारे भी जो है जज्बात बदले हैं थोड़े, और हमने अपनी जो कहानी है उसमें आपको थोड़ा फ्लेवर अलग नजर आएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो मेरा रिश्ता बन चुका है अभी मिश्रा फैमिली से, अन्नू की मम्मी से, तो कभी कभी क्या होता है ना पड़ोस में, जब आपके कोई बहन नहीं होती है बड़ी, या आप जब हर समय अपने मायके नहीं जा पाते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा साथी आप बना लेते हैं पड़ोस में, जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं, उसके साथ आपकी मजाक भी होगी, आप दुख सुख भी झेलेंगे, और भले ही आप ऊपर से बहुत प्यार ना दिखा पाए, क्योंकि बड़े शहरों में आज भी हर फीलिंग बहुत वर्बली हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं, छोटे शहरों में आई लव यू माँ बाप एक दूसरे को नहीं बोलते, भाई बहन नहीं बोलते। हम अपने पेरेंट्स को, मैंने आज तक अपनी माँ को नहीं बोला होगा कि मैं तुझे प्यार करती हूँ, या अपनी बहन को नहीं बोला होगा, लेकिन जो छोटे शहरों में ये रिश्ते बनते हैं पड़ोस के, वो सच बात बताऊं तो मैं कभी कभी लोगों के अपने रिश्तेदारों के साथ भी नहीं होते हैं। तो बिट्टू की मम्मी का जो अन्नू की मम्मी के संग रिश्ता है कुछ वैसा ही है। वो एक लड़का है जो मतलब मिडिल क्लास बड़ा लड़का, जो बहुत सारे लड़के हैं होंगे, आप छोटे शहर में जाएंगे तो अन्नू मिश्रा जैसे बहुत सारे लड़के आपको मिल जाएंगे, जो जिन्होंने बहुत बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है फैमिली के लिए,
और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने करना कुछ और था लेकिन बिकॉज ऑफ द फैमिली कंडीशन दे डिडंट डू व्हाट दे वांटेड टू डू. सो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की आवाज़ मैं बन पा रहा हूँ. और कई सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत कुछ करना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए. और ऐसा नहीं है कि वो दुखी हैं, दे आर रियली प्राउड कि उन्होंने वो सेक्रीफाइस करके ये घर को, फैमिली को, जो मैं नहीं कर पाया, वैभव नहीं कर पाया. मैं, माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम अ बिजनेस मैन सो दैट आई कैन ज्वाइन हिम इन हिज बिजनेस बट आई वॉन्टेड टू बिकम समथिंग एल्स. कभी कभी बुरा लगता है कि यार हाँ ठीक है बट नहीं लगता सारा. तो मेरा यार तुमने अपने माँ बाप को अब ऐसा लगता है लेकिन जब आप कर रहे होते हो ये सारी चीजें तब यू थिंक अबाउट इट लाइक क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या. बट फिर ऐसा लगता है अच्छा ठीक है नहीं अच्छा तो लग रहा है बट वो लोग ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं. यही मेरा कैरेक्टर है अनु, दिल का साफ, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट. एंड कोई मेमोरीज है आप लोग की गुल्लक को लेके? बताओ भाई. पैसा, 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 सिर्फ पैसा. रखते थे आप? हाँ रखते हैं ना, सब रखते हैं, खूब सारा पैसा रखता है. खूब मजे करते थे. फिर तोड़ देते थे बाद में? तोड़ देते थे, चोरी कर लेते थे. नहीं मैंने ये मिट्टी वाला गुल्लक कभी नहीं रखा. पर एक वो ना बर्थडे में, हमारे समय में बर्थडे में कभी कुछ भी गिफ्ट मिलता है ना, किसी ने वो जो टिन का वाला होता है गुल्लक जिसमें ताला लगा देते हैं, एक छोटी चाबी भी होती है, तो ऐसा लगता था बस हमारी तो सारी जमा पूंजी इसी में डाल दो और ये कभी खत्म ही ना हो. तो वो गुल्लक हमने भी रखा हुआ है और छोटी मोटी चीजों के लिए भी उसमें से पैसे निकाल लेते थे. पर हाँ वो अब आपका वो खजाना होता है. ये आजकल वो पिगी बैंक बन गया है जी. लेकिन सही मायने में जो गुल्लक है वो ये वाला है. और हमारे वक्त में ये था और आज ये दिखता है तो बड़ी खुशी होती है. मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चों के पास वो वाला था जो पिगी बैंक वाला था. तो हम लोग ऐसे बाहर गए हुए थे, मार्केट में थे, तो ये देखा तो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए कि बाबा गुल्लक गुल्लक लेते बाथरूम गुल्लक. मैंने कहा हाँ ठीक है खरीद खरीद. तो वो है उसमें गुल्लक का अपना एक अर्थीनेस है. हाँ। इस वाले गुल्लक का कि मिट्टी की बनी होती है और वो जमीन की मिट्टी से बनी हुई है और गुल्लक भी जमीन से जुड़ी हुई कहानी है. और अब तो ये हो गया है गुल्लक करने के बाद कि ये गुल्लक देख के ना मुझे इसके अंदर किससे दिखाई देते हैं, पैसे नहीं दिखाई देते. और गुल्लक एक पर्यायवाची बन गया है मुस्कुराहट का. गुल्लक माने मुस्कुराहट और यादों की गुल्लक. वेरी नाइस. ऑल द बेस्ट आप सबको गुल्लक सीजन 4 के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ANN. थैंक यू ANN. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.